बट ये कैसा लग रहा है? ये सुंदर है ना? सुंदर है बहुत, अति सुंदर। गाइस ये बारिश नहीं हो रही, ये वाटरफॉल का कमाल है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप यू आर डूइंग फाइन। तो आज हम जा रहे हैं फाइनली बिट्टी फॉल, जिसके लिए हम सारे बच्चे लोग थल आए थे। नाश्ते में बनी है चाउमीन। हम लोग हो चुके हैं फुल ऑन रेडी और अभी सिर्फ बच्चे लोग नहीं जा रहे हैं, आंटी भी हमारे साथ आ रही हैं। तो गाइस हो रही है हमारी गाड़ी और हम चले बिट्टी फॉल की ओर। बोले गाइस जो जो आंटी आ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। गाइस रास्ता खराब है, आगे मशीन भेजिए सही करने के लिए। उतरो, उतरने। गाइस रास्ता ब्लॉक हो रखा है आगे, देखो पूरा काम चालू है इधर, तो हमने गाड़ी यहाँ लगा दी। गाइस ये देखो पानी में कितने सारे कलर्स हैं। जैसी भी सारा मलबा नीचे फेंक रही है, उसके बाद रोड सही हो जाएगी और यहाँ पे देखो सारी गाड़ियाँ रुक चुकी है। गाइस हम सब लोग गाड़ी में बैठ गए क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा धूप हो रही है और धूल भी बहुत ज्यादा उड़ रही है। और आज आंटी का फास्ट भी आज, ये मम्मी ने स्टेटस आज कड़वा चौथे सही हो गया अभी। गाइस ये देखो रास्ता किस ओर पे। गाड़ी से फिर से उतर चुके हैं क्योंकि गाड़ी में कुछ तो नीचे से लग रहा है, मतलब टायर की प्लेट लग रही है शायद, वो टायर खोल रहे हैं अभी। और आंटी पहली बार जा रही है बिट्टी वाटरफॉल। तो गाइस अभी मैं यूं वहां आ गए ये देखने के लिए कि उस मोड़ से बिट्टी फॉल दिख रहा है कि नहीं। तो दिख रहा है और अभी हम लोग जाने अपना कैमरा लेके और आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं बिट्टी फॉल। अभी तो दूर ही है, आप लोग हल्की सी झलक देख लो बिट्टी फॉल की। गाइस ये देखो ये है बिट्टी फॉल, कितना छोटा लग रहा है ना, बट अभी हम सामने से जाएंगे ना तो बहुत खतरनाक है, बहुत बड़ा वाटरफॉल है ये। तो गाइस गाड़ी ठीक हो गई है और हम जाते हैं गाड़ी में बैठते हैं, बिट्टी फॉल आपको दिखाते हैं। गाइस ये देखो यहाँ पे कितने बड़े बड़े पत्थर है, वाइड एंगल में समझ नहीं आ रहा है। अब देखो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं बिट्टी फॉल, ये रहा। अभी चलते हैं ऊपर, यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, मतलब हम जब लास्ट टाइम आए थे यहाँ पे कोई भी नहीं था, यहाँ पे इतनी दुकानें भी नहीं थी, बट इस बार देखो कितनी भीड़ है, टूरिस्ट आए हैं। तो गाइस यहाँ पे आप टिकट वाला सिस्टम कर दिया है, एक जन का 20 रुपए टिकट है। जब हम लास्ट टाइम आए थे तो फ्री था, बट कोई नहीं इतने खूबसूरत व्यू के लिए इतना पैसा तो दे सकते हैं। हो रही गाइस मेन रोड और थोड़ा सा हमको ट्रैक करना पड़ेगा। ये रहा गाइस बिट्टी फॉल, आंटी और जोजी पीछे आ रहे हैं, मैं आगे चला गया, मैं इधर हूँ और मेरे पीछे है बिट्टी फॉल और पास दिखाऊंगी रुको। गाइस आंटी थक गई हैं। गाइस बिट्टी फॉल अभी भी बहुत दूर है और यहाँ तक छींटे आ रहे हैं पानी के। गाइस ये बारिश नहीं हो रही, ये वाटरफॉल का कमाल है। गाइस ये देखो यहाँ पे छोटा सा रेनबो भी बन रहा है। आंटी कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? बट ये कैसा लग रहा है, ये सुंदर है ना? सुंदर है बहुत, अति सुंदर, मम्मी जैसा सुंदर, मम्मी की बेटी जैसा सुंदर, मम्मी की बेटी की दोस्त की जैसा सुंदर। गाइस अभी हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं नीचे पूरा भीगने के लिए। तो यहाँ पर भैया सुखा रहे हैं तैमूर, अभी सूखे नहीं ना अच्छे से, ये सूख गया ये वाला, ये कच्चे हैं और ये सूख गए हैं। तैमूर का दाल बनता है, दाल तड़का लगाते हैं, तड़का
पता नहीं दाल बनता है, आलू के टुकड़े में डालते हैं, कोई सब्जी में डाल सकते हैं, मतलब इसको सब्जी में डालते हैं गाइस, सब्जियों में। और आंटी यहाँ पे खरीदने की कोशिश कर रही हैं, ये एकदम ओरिजिनल प्योर है ना गाइस। अभी हम लोग यहाँ पे गए थे, ये देखो यहाँ पे इधर इधर गए थे। अभी तो ये पानी तेज हो जा रहा है, ये हवा चल रही है, ए बर्थी फॉल के मजे ले रहा है। आपका कुत्ता है? नहीं नहीं है, बिस्किट दो ही पाल ले। हाँ वो भो गए, यहाँ पे बन गई हमारी मैगी। गए आंटी ने तैमूर खरीद लिया। गए हम लोग खा रहे हैं मैगी और इस नज़ारे में यार, मतलब क्या ही नज़ारा है, मतलब हम कहाँ ही मैगी खा रहे हैं यार, हमारा अलग ही सीन है। गए ये देखो पहाड़ के कुत्ते मैगी भी खाते हैं। गाइस आपने खाई है कभी ऐसी जगह पे मैगी? कभी नहीं खाई होगी। तो गाइस हमने मैगी खा लिया और हम लोग जा रहे हैं नीचे मेन रोड में। गाइस ये वाला एरिया देख रहे हो, यहाँ पे पहले गांव हुआ करता था 2009 में, बट यहाँ से ऊपर से मलबा आया, पूरा गांव चला गया। गांव का नाम लाजिकला। सिर्फ दो लोग जिंदा बचे। हाँ सिर्फ दो लोग, दो भाई जिंदा बचे जो की आर्मी में थे, जो यहाँ थे ही नहीं, और पूरा गाँव चला गया। गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है कितने लोग मरे थे और कितनी तारीख को मरे थे। इस बोर्ड में उन सभी सदस्यों के नाम लिखे हैं जिनकी उस हादसे में डेथ हुई थी, और इस गांव का नाम छेकला गांव है। बीच रास्ते में उतर गए हैं, अब यहाँ से हम जा रहे हैं पैदल। खाली गाड़ी थोड़ा ज्यादा अच्छे से जा पाएगी ना, और मेरे को तो नींद आ गई थी यार, इतनी मस्त नींद आ रही थी। पानी पूरा गंदा हो गया, तेज धूप हो रही ना, किनारे पे जाओ गाइस, वो पूरा पानी गंदा हो गया। ये भी तो वो गाइस मैंने सुबह आपको यहाँ के कलर दिखाए थे, इतने प्यारे प्यारे तीन कलर बन के मिल रहा था इधर, और अभी देखो पूरा ब्राउन कलर हो गया। गाइस देखो कितनी पतली सड़क है, वहाँ पे अंकल ने भी रोकी है गाड़ी उनको जाने के लिए, हम भी रुके हुए हैं। नहीं ये देखो क्या हो गया, गए थे की मिट्टी कितनी सफेद है, और आंटी का फास्ट है करवा चौथ का, बेचारी आंटी। गए धूप बहुत तेज लग रही है, और अंकल यहाँ पर रुके हैं। तो गए हम लोग पतित पहुँच चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर को। गए जब हम लोग खलाए थे खतरनाक बारिश हो रही थी, तीन दिन तक हम घर में ही थे, और जब से धूप आई है हम लोग घर में टिके ही नहीं, हम लोग घूम ही रहे हैं। हेलो हेलो एवरीवन, तो अभी टाइम हो रहा है 5:32, आज है करवा चौथ, और अभी आंटी पूजा करेंगी। वो भी आ गया आपका दोस्त, वो भी आ गया जो जो वो तो आज तक आया ही नहीं, आज आया था, आज पहली बार अभी आ रहा है। क्या आपका नाम क्या है? नैंसी कार्की। और आपकी दीदी का? उपासना कार्की। और इसका इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है डॉगी का? डॉगी का डॉगी शेरू। शेरू मेरा हो रहा है बहुत खतरनाक वाला सर दर्द, आई पेन भी हो रही है, सर दर्द भी हो रहा है। मैं पी रही हूँ अभी चाय, और शायद इससे ठीक हो जाए, दरकारी चाय से मेरा सर दर्द सही हो जाता है, मेरी मेडिसिन है। करवा चौथ के स्पेशल पर्व में जो जो क्या बना रही है, पनीर भुर्जी, आलू के गुटके, खीर, और मैं अपनी प्रीवियस व्लॉग एडिट कर रही हूँ, जल्दी एडिट कर रही हूँ, और दिन में रात को एडिट करती हूँ सोते टाइम 9:30 के टाइम पे, बट आज जल्दी करी क्योंकि अभी चांद आ जाएगा तो फिर व्लॉगिंग करनी है। तो गाइज आंटी हो चुकी है तैयार, गाइज अंकल बम पटाके भी लेकर आए हैं, रात के 9 बज चुके हैं और चांद अभी तक नहीं आया। ऐसा बाहर हमने आंटी का मनोबल बढ़ाना है, अभी आंटी को भूख लग गई होगी। अब गाइस यहाँ पे सब लोग चांद का इंतजार कर रहे हैं। गाइस ये देखो ये रहा चांद, मैं कह रही हूँ सेलिब्रिटी वाली एक्टिंग करते हैं। सेलिब्रिटी कौन बनेगा? मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल रही हूँ, तुम लोग ऐसे मैम कहना ठीक है पापा। हाँ तो पापा का क्या काम है? ऐसे करके खड़े रहेंगे ना ड्यूटी में, क्या खड़े हो बस, ऐसे नहीं सेलिब्रिटी हूँ। ड्रेसिंग सेंस भी नहीं है, निकल चल। आपकी शक्ल भी टट्टी की है मैम, बचपन से ऐसी है या आपने कुछ सर्जरी कराई है? हाँ मैम 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 कहीं गाड़ी, वो घोड़ा गाड़ी में, घोड़ा गाड़ी में बैठी है, तबड़क 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 तबड़क। गाइस चांद आ रहा तब तक हम लोग टाइम पास कर रहे हैं। मैं विकी कौशल,
चलो आंटी को पता है कौन है? अम्मी आप कहते ना कैसे, ठीक है? ये है विक्की कौशल। चलना उनको भाव भी मत देना है। अच्छा तुम ऐसे ऐसे करना, चलो कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन देंगे हम। थैंक यू। किस चीज के लिए? सलमान खान को धोखा क्यों दिया मैम? मैम सलमान खान को धोखा क्यों दिया आपने? सलमान खान का खौफ नहीं है? अच्छा तो विक्की बनी है, गाड़ी में बैठ गए। मुझे लगा तू बॉडीगार्ड था। पे बॉडीगार्ड ऐसा होता है। चांद आ गया आंटी? हां दादा, अभी हो रहा है 9:33 और चांद आ चुका है। गाइस यहां पे चल रहा है हमारा बॉनफायर। बॉनफायर के मजे लेते हुए ये रहा गाइस चांद। करवा चौथ की पूजा हो गई है आंटी की और नींद आ रही थी वो भी नींद उठ चुकी है। तो अब मैं फटाफट एडिट करती हूँ और इस व्लॉग को इंप्रूव करते हैं। एंड अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगले व्लॉग में जल्दी ख्याल रखें अपनों का। बाय।